वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 27, जो कि है 4 सितंबर की वर्कशीट, जिसके अंदर हम देखेंगे पहले साइंस और फिर हम देखेंगे मैथ्स और फिर उसके बाद देखेंगे हिंदी की वर्कशीट। हमारी जो साइंस की जो वर्कशीट है, उसके अंदर जो टॉपिक है वो रेस्पिरेशन कंटिन्यू हो रहा है। लास्ट वर्कशीट में भी हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, तो प्लीज उसको वॉच करें वीडियो को, उससे आपका बहुत सारा टॉपिक जो है वो यहाँ पे लिंक में रहेगा। तो देख लेते हैं इस वर्कशीट में क्या दे रखा है। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बेस्ड ऑन द फंक्शन। तो ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, वो क्या काम करते हैं। पहला है सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग कैविटीज एंड ट्यूब्स दैट कनेक्ट एयर इनटू लंग्स। सो बेसिकली यहाँ पे पहला सिस्टम वो कह रहा है कि कैविटी, कैविटी का मतलब हो गया जो स्पेस है हमारे शरीर के अंदर उसके बेसिस पे, और सेकेंड हो गया सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस अकर्स। दूसरा सिस्टम ऑफ हो गया जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। आइए चलते हैं इनको देख लेते हैं। जो कैविटी हो गई, जैसे आपके नोज हो गया, वहां पे जो स्पेस है वो एक टनल हो गई एक तरीके से एयर को इनहेल करने के लिए, नोज। फेरिंग्स हो गया, पैसेज फॉर एयर लेट टू ट्रैकिया, ट्रैकिया तक पहुंचाने के लिए जो स्पेस है उसको बोलते हैं। लैरिंग्स हो गया वॉइस बॉक्स, और ट्रैकिया हो गया कनेक्टिंग फेरिंग्स टू ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई हो गया वहां तक पहुंचाने के लिए ट्रैकिया। तो ये सारे सारे क्या पैसेज है, दैट्स व्हाई इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक मतलब एक प्रॉपर सिस्टम माना जाता है। द रिंग्स ऑफ कैटलेज प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड कीप द विंड पाइप ओपन। सो ये जो कार्टिलेज है, जो रिंग्स हैं, जो हमने लास्ट वर्कशीट में भी देखा था, उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्या करता है, विंड पाइप को एक स्टेबिलिटी देता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ट्रेकिया इज लाइंड विद फाइन हेयर कॉल्ड सीलिया, SCILIA, विच फिल्टर एयर बिफोर इट रीचेज लंग्स। तो वो क्या करता है, लंग्स में एयर पहुंचने से पहले उसको फिल्टर कर देता है बेसिकली। ब्रोंकाई, दीज आर द टू ब्रांचेस एट द एंड ऑफ ट्रेकिया विच लेड टू लंग्स। सो एट द एंड जहाँ पर लंग्स को, दो लंग्स जैसे हैं, वहां पे पहुंचाने के लिए जो ब्रोंकाई है वो अब जो ट्यूब ऊपर से आ रही है उसको डिवाइड करता है दो में, उससे उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। अब चल लेते हैं सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज ऑकर्स, उसको देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स, नर्वस एयरवे ऑफ लंग्स डिलीवर एयर टू एक्सचेंज सरफेस ऑफ लंग्स। तो जहां पर ये डिलीवरी ऑफ एयर प्रोवाइड करी जाती है, कहाँ पर, एक सरफेस पे, बाउंड्री पे, आप कह सकते हैं वॉल पे, जहां से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एल्वियोलर डक्ट, अ नेटवर्क ऑफ स्मॉलर ब्रांचेस लेड फ्रॉम द ब्रोंकाई इनटू लंग्स टिश्यूज, लंग्स के टिश्यूज के अंदर तक पहुंचाने के लिए जो डक्ट है उसको बोला जाता है, एंड अल्टीमेटली टू एयर सैक्स। तो वहां पर एयर को एक तरीके से आप कह सकते हैं बैग है, एयर सैक एक तरीके से बैग है जहां पर उनको छोड़ा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एल्वियोलाई, द फंक्शनल रेस्पिरेटरी यूनिट इन द लंग वेयर गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज। तो एल्विला एक तरीके से एक लास्ट स्टेशन है जहां पर वो एक्सचेंज होता है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द ब्लड सिस्टम। तो सेम चीज यहाँ पर आपको फिगर में भी दिखाई गई है किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है। आगे पढ़ लेते हैं इनहेल और एक्सेल। इनहेल हो गया जब आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और एक्सेल हो गया जब आप कार्बन डाइऑक्साइड एयर में छोड़ देते हैं। जब आप इनहेल करते हैं, आपने खुद भी फील करा होगा कि जो है चेस्ट आपकी जो है वो बढ़ जाती है, बिकॉज अंदर जो है एयर फिल हो जाती है और डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, और वेयर एज एक्सेल में डायफ्राम क्या हो जाता है, डूम शेप का हो जाता है, जो डोम होता है उस शेप का। और यहाँ पे राइट साइड में अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से होती है। व्हेन द लंग्स एल्वियोलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। सो एल्वियोलाई में जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है, ये लंग्स के अंदर पाया जाता है सरफेस। द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स।
ब्लड वेसल्स हो गए, आपके नाड़ियां हो गई एक तरीके से, जो ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाती है, और यहाँ पर जब ब्लड आता है वो इसके अंदर ऑक्सीजन छोड़ दी जाती है, और ऑक्सीजन जो है इस ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रेवल करता है पूरी बॉडी में. द कैपिलरीज ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इन टू द एल्विओलाई. तो कैपिलरीज क्या करती हैं, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड, मतलब आप कह सकते हैं इसको गंदा खून लेकर आती है. गंदा खून का यहाँ पे इसका मतलब है कि ऑक्सीजन नहीं है उसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो खून यहाँ पे लेकर आती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे छोड़ देती हैं ताकि वो हमारे नोज के रास्ते से बाहर निकल सके या माउथ के रास्ते से बाहर निकल सके. एंड द ऑक्सीजन इन द एल्विओलर एयर टू टेक अप द ब्लड इन द एल्विओलर ब्लड वेसल्स टू द ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. और वही ब्लड यहाँ से एकदम फ्रेश होकर ऑक्सीजन से भर कर वापस चल देता है पूरी बॉडी में. व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यूज विच आर डिफिशियंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट. सो यहाँ पे बोला गया है कि रेड पिगमेंट, जो ह्यूमन के अंदर रेड पिगमेंट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन क्या करता है ह्यूमन के अंदर, वो इस प्रोसेस को काम करता है कि वो सब पूरी बॉडी में उसको लेके जाता है. इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मतलब वो ऑक्सीजन को कैरी करने की वो क्षमता रखता है इन द रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स. सो जो हो गया आरबीसी सेल्स. तो आइए चलते हैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज. तो यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ था, द रिंग्स से आप लिखेंगे प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड कीप विंड पाइप ओपन. तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे तीन लाइनें छोटी सी. आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ. क्वेश्चन नंबर टू हो गया, हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन लार्ज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द वॉल्स ऑफ द एल्वेलाई, यहाँ से ये लाइन यहाँ तक बॉडी तक, और उसके बाद हम फिर दोबारा लिखेंगे इन ह्यूमन बींग से लेकर एंड तक. तो ये एक बार देख लेते हैं लास्ट वाला पार्ट, इन ह्यूमन बींग से लेकर ये पूरा एंड तक लिखेंगे इसको, इसका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा. तो थोड़ा सा लंबा आंसर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं. एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. तो यहाँ पर ये पूरा पूरा प्रोसेस इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है, तो ये आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं. आइए चलते हैं हम अपनी मैथ्स की वर्कशीट की तरफ. हमारी जो मैथ्स की वर्कशीट है उसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला, जो टॉपिक है वो. तो बोर्ड पे अभी हमें एक्सप्लेन करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूला ये जो है वो किस तरीके से याद कर सकते हैं. बहुत ही इजी तरीका है इसको याद रखने का हम देखेंगे. उसके बाद इसका मिड पॉइंट थ्योरम है, बेसिकली मिड पॉइंट फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे ये वाले कुछ क्वेश्चन देखेंगे एंड फिर उसके बाद देखेंगे ये लास्ट के दो क्वेश्चन बोर्ड पे. तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ, फिर हम चलेंगे अपनी हिंदी की वर्कशीट पे. आइए स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला. उससे पहले हम थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं कि आपकी जो वीडियो है काफ़ी लेट आ रही है, उसका रीज़न है थोड़ी सी तबीयत हमारी ख़राब थी, तो जिस वजह से ये वीडियो की रिकॉर्डिंग जो है बहुत ही लेट हो पाई है. बट आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ सेक्शन फॉर्मूला, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सेक्शन फॉर्मूला है. इसको सेक्शन फॉर्मूला कहते क्यों हैं, अगर हम एक लाइन लें और उसको हमें डिवाइड करना हो, ठीक है, अब लाइन कहीं पे भी आप डिवाइड हो सकती है. लाइन सपोज करो ये ए बी है, ये भी ए बी है, सेम लाइन है. सपोज करो मैं इसको यहाँ पे कट करूँ, यहाँ पे कट करूँ, तो सेक्शन अलग हो रहा है. ए से लेके सी तक को कुछ सेक्शन मिल रहा है और सी से लेके बी तक को कुछ सेक्शन मिल रहा है. तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला. सपोज करो अगर इसको देखा जाए तो ये ऐसे तीन हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो इसको एक हिस्सा मिल रहा है, इसको दो हिस्सा मिल रहा है. तो यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा ढंग से यहाँ पर कर दें तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि इसको दो हिस्से मिल रहे हैं और इसको एक हिस्सा मिल रहा है. तो सेक्शन, अब इस चीज़ को बोलते हैं रेशियो.
ठीक है, तो इसमें दो तीन चीज़ें होंगी, इसमें रेशियो हमें फाइंड करने के लिए दिया जा सकता है, या फिर हमें इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए दिए जा सकते हैं। तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ए पॉइंट को बोलते हैं एक्स वन वाई वन, इसको बोल देते हैं एक्स टू वाई टू। ये जो बीच वाला जो पॉइंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं एक्स कॉमा वाई। नॉर्मली इसको हम एक्स कॉमा वाई लेते हैं, पहले वाले पॉइंट को एक्स वन कॉमा वाई वन, दूसरे वाले पॉइंट को एक्स टू कॉमा वाई टू, बीच वाला जो पॉइंट होता है जो सेक्शन में डिवाइड कर रहा होता है उसे बोलते हैं एक्स कॉमा वाई। और यहाँ पर जो रेशियो होता है बुक्स में इसको दिया जाता है एम वन एन टू या फिर एम एस टू एन। ठीक है, तो मैं एम एस टू एन लेना पसंद करता हूँ, ये इसका डिपिक्शन हो गया, दिखाने का तरीका हो गया। ठीक है, अब इससे फॉर्मूला कैसे बनता है, मैं इसको बोल रहा हूँ झप्पी फॉर्मूला। तो राइट वाला लेफ्ट की तरफ जाता है, लेफ्ट वाला राइट की तरफ जाता है, ऐसे ही तो हक करते हैं, वैसे कहते हैं झप्पी फॉर्मूला। तो इसके अंदर मैं जो इमेजिन करता हूँ, मैं थोड़ी सी रेड लाइन यहाँ बना देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे इमेजिन करता हूँ राइट लाइन। ठीक है, तो ये जो है एन वाला ए के पास जाता है और एम वाला बी के पास जाता है, देख रहे हो जब भी फॉर्मूला बन रहा है कि बन रहा। तो अगर मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका फॉर्मूला है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एन वाला एक्स फाइंड करना, तो एक्स के पास जाएगा, सो एन एक्स वन, एम वाला किसके पास जाएगा, एक्स के पास, प्लस एम एक्स टू। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है, अपॉन जो रेशियो है उसको प्लस कर देते हैं, एम प्लस एन, ईजी है ना। अब इसी तरीके से y का आप बताओ क्या होगा, n वाला y के पास जाएगा, n y1, m वाला y के पास जाएगा, m y2 अपॉन m प्लस n। तो कभी भी सेक्शन फार्मूला याद करना हो तो उसको कहते हैं झप्पी फार्मूला, राइट वाला लेफ्ट के पास, लेफ्ट वाला राइट के पास। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बन गया। अब मैं तो कभी पेपर में फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करता नहीं हूँ, मेरे को बस झप्पी फॉर्मूला याद करना होता है, मैं उसको फ़ोटो की तरह इस तरीके से बनाता हूँ एग्ज़ाम में और उसको सॉल्व कर देता हूँ सीधा। आगे चलते हैं, इसका एक एक्सटेंशन है उसको समझ लेते हैं। ये तो सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब बुक्स में जो है ना, एक है मिड पॉइंट, आपने वर्कशीट में भी देखा होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं उसको, मैं बोलूँगा फॉर्मूला नहीं है। मिड पॉइंट का मतलब होता है बीच का पॉइंट, ठीक है ना, एकदम सेंटर में, एकदम सेंटर में। जरा मैं इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, अगर मैं बोलूँ एकदम सेंटर में तो आप मुझे बताएं कि सेंटर में इस ए बी के बीच में कहाँ पर होगा वो सेंटर। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाएंगे, ये हो गया सेंटर। अगर सेंटर हो गया तो मतलब इसको भी एक मिल रहा है और उसको भी एक मिल रहा है, तो ये वन इज टू वन होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वन इज टू वन, किसका, मिड पॉइंट का रेशियो क्या होता है, वन इज टू वन, ये हमेशा याद रखोगे तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरा क्या हो गया, एम बी वन हो गया और एन बी वन हो गया, तो ये वन हो गया, तो वन इंटू फाइव क्या होता है, फाइव होता है ना, वन इंटू हंड्रेड क्या होता है, हंड्रेड होता है ना, मतलब सेम होता है ना। तो वन इंटू एक्स क्या होगा, एक्स होगा, तो वन इंटू एक्स वन क्या होगा, एक्स वन होगा, तो वन इंटू एक्स वन हो गया, ये भी वन इंटू दिस हो गया, तो वन प्लस वन टू हो गया, यहाँ पे वन हट गया, यहाँ पे टू हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स वन प्लस एक्स टू अपन टू, वाई का फॉर्मूला क्या बन गया, वाई टू वाई वन प्लस वाई टू अपन टू, मतलब एक्स फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस करो डिवाइडेड बाय दो कर दो, और वाई के लिए इन दोनों को प्लस करो और डिवाइडेड बाय दो कर दो। तो अब आप इसको फॉर्मूला समझें या इसी का एक्सटेंशन समझें, या आपकी मर्जी है। इसी के बेसिस पे, इसी फॉर्मूला के बेसिस पे उन्होंने राइट साइड में एक बॉक्स दे रखा था, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। आइए चलते हैं देख लेते हैं, पहला उन्होंने फॉर्म क्वेश्चन करके दिखा रखा था, दूसरा वाला मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। दूसरे वाले में उसने बोला पी का जो पॉइंट है वो 4.5 है एंड जो क्यू का जो पॉइंट है वो -4.7 है। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। अब मुझे x फाइंड करना है, पहले x1 उन्होंने बोला x1 y1 ढूंढो, फिर x2 y2 ढूंढो, तो वो तो आप मेरे ख्याल से ढूंढ सकते हैं, पर भी पहले वाले को बता देता हूँ। x1 क्या, पहला पॉइंट 4,
वाई वन क्या है, पहला पॉइंट 5, एक्स टू दूसरा पॉइंट माइनस 4, वाई टू क्या है 7। अब उसने बोला है कि इसका सेक्शन फॉर्मूला मतलब मिड पॉइंट ढूंढो, ये सी पॉइंट बेसिकली। तो मिड पॉइंट एक्स होता है, इन दोनों को प्लस करो, 4 प्लस माइनस 4 अपॉन 2, 4 प्लस माइनस 4 कितना हो गया 0, 0 अपॉन 2 कितना हो गया 0। वाई का ढूंढ लेते हैं, 5 प्लस कितना हो गया ये 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 प्लस 7 कितना होता है 12 बाय 2 मतलब 6। तो हमारा जो मिड पॉइंट हो गया वो हो गया 0.6 हो गया, तो इसका जो मिड पॉइंट हो गया 0.6। तो इसके नीचे जो है दो और क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि वो दोनों क्वेश्चन आप खुद करें, मिड पॉइंट के हैं। इसी तरीके से हम चलते हैं सीधा अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स। ये देखो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पे तीन पॉइंट थे, ए बी और बीच में सी। अब ये कौन सा फाइंड करने के लिए कह रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस, मतलब ये दोनों से एक लाइन बनी हुई है और ऐसा पॉइंट ढूंढो जो इसको डिवाइड करता हो। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें बीच वाला पॉइंट सी पॉइंट ढूंढना है। तो आप यहाँ पे ए पॉइंट एक बना देंगे, वो हो जाएगा -1.7, और एक बी पॉइंट बना देंगे जो कि हो जाएगा 4.-3, ठीक है। और इनको बीच में हम एक लाइन बना देते हैं और बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं सी, सी ले लो या पी ले लो, कुछ भी ले लो, और ये हमें ढूंढना है। तो हम इसको x, y ले लेंगे, और रेशियो यहाँ पर दे रखा है 2:3, तो पहला 2:3। अब देखो मैं सेक्शन फार्मूला लिखूंगा नहीं, मैं सीधा ही इसको कर सकता हूँ, कैसे कर देंगे देखते हैं। मैंने क्या बोला था, इसको लाइन सोचें, मेरे को पहले x ढूंढना है झप्पी फार्मूला, तो ये 3 आएगा इधर, 2 आएगा इधर, ऐसे बना दिया करें। तो 3 आया -1 से मिलने, मिलने आया मतलब मल्टीप्लाई होने आया, फिर 2 गया वहाँ पे 4 से मिलने, 2 × 4 अपॉन 2:3 था, 2+3, ठीक है। तो साथ में ही कर देता हूँ, -3 हो गया प्लस 8 हुआ अपॉन 5, तो यहाँ पे कितना आया 5, 5/5 आंसर आ गया 1। तो x का जो आंसर है वो 1। अब चलो y देख लेते हैं, y का आंसर, अब ये y से मिलने जाएगा 3, भूलना मत। सो 3 मिलने गया 7 से, और 2 मिलने गया हम -3 से, 2+3 यहाँ पर आया 21 -6/5, ये 21 - 6 कितना होता है 15/5, 3। अभी तो अच्छी किस्मत है ये कट रहे हैं, नहीं कट रहे होते तो चिंता मत करना, उसको फ्रैक्शन में ही छोड़ देना। तो हमारा जो रेशियो हो गया सी पॉइंट जो हो गया 1.3। तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो आम का आंसर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द रेशियो। जब वो रेशियो बोलेगा फाइंड करने के लिए, तो इसके मतलब वो तीनों पॉइंट आपको दे देगा। अब कौन सा पॉइंट बीच में आएगा और कौन सा पॉइंट ए और बी में आएगा वो बहुत मैटर कर जाता है। तो ए बी, और मुझे पता है कि बीच में एक पॉइंट तो आएगा सी, ठीक है। ये तो मुझे पता नहीं कौन सा आएगा, अब देखते हैं। इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, तो लाइन सेगमेंट जो है वो इन दोनों से बन रही है, इज डिवाइडेड बाय दिस। तो डिवाइडेड बाय दिस इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो बीच में आएगा -1.6, तो ये दोनों आ जाएंगे साइड में। तो मैं इनको यहाँ पर साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ, -3.10 और 6.-8। तो ये आपकी यहाँ पर फिगर बन गई। अब हमें चाहिए रेशियो। अब देखो दो तरीके होते हैं इसको करने के, बुक में भी दे रखे हैं, और मेरे को जो पसंद है मैं आपको वो करा रहा हूँ। आपको दूसरा मेथड चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर आप दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को करके दिखाएं, तो हम देखेंगे कि भी अगर ज़्यादा बच्चे डिमांड करेंगे तो अगर इनको वाला मेथड समझ में नहीं आएगा तो हम उस मेथड से भी करा देंगे। मेरे को पर्सनली लगता है वो सबसे ईजी मेथड है जो मैं भी करा रहा हूँ। जब वो रेशियो बोल रहा है तो आप इसको ले लें k:1, ठीक है, k:1, m:n की जगह पे क्या ले लें k:1। और अब हम इसको क्या कर देंगे, वही झप्पी फार्मूला लगा देंगे, सेक्शन फार्मूला बोलते हैं इसको, झप्पी फार्मूला, ये इधर ये इधर। तो यहाँ पे क्या है
माइनस वन, सो माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन दे रखा ना, तो वो लिखेंगे, वन जाके मिला माइनस थ्री से और के जाके मिला सिक्स से और नीचे आ गया के प्लस वन। अब के प्लस वन उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय के प्लस वन, इसको ओपन करेंगे, माइनस थ्री प्लस सिक्स के। अब हमने के प्लस वन लिया क्यों, एम एस टू में लेते तो यहाँ पर दो रेशियो हो जाते हैं, एम और एन, दो वेरिएबल। अभी क्या है, एक ही वेरिएबल है तो इसको सॉल्व करना आसान है। तो माइनस के ये ओपन होगा तो माइनस वन, किसी को इस ब्रैकेट ओपन में दिक्कत हो तो हमने पहले से एक बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन की बना रखी है वीडियो, आप वो ज़रूर देख लें, माइनस थ्री प्लस सिक्स के। अब लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, के वाला एक तरफ आएगा बिना के वाला एक तरफ, तो सिक्स उधर ले जाता हूँ, माइनस के माइनस सिक्स के इक्वल्स माइनस थ्री, पहले से ये है माइनस, उधर जाके आएगा प्लस वन, माइनस सेवन के इक्वल्स टू माइनस टू, इंटीजर से। सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आप वीडियो की लिस्ट में देखेंगे ना, वहाँ पर आपको बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जो ना मिले आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, सर लीनियर इक्वेशन समझ में नहीं आ रही या फिर इंटीजर्स की कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही, तो आपको मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा या तो बना के दे देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, के इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन माइनस सेवन, माइनस माइनस कट जाएगा, के इक्वल्स टू टू अपॉन सेवन, के की वैल्यू टू अपॉन सेवन है, बट हमें तो रेशियो चाहिए था, अपॉन में है ना, तो देयरफॉर रेशियो इज टू इज टू सेवन, ठीक है, टू इज टू सेवन, तो ये हमारा रेशियो बहुत आसान तरीके से आ जाता है। वाई से भी अगर आप सॉल्व करेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वाई से भी सॉल्व करें तो आंसर सेम आएगा, तो आंसर सेम ही आना चाहिए, चाहे आप एक्स से सॉल्व करो चाहे आप वाई से सॉल्व करो। और एक टिप, के का जो आंसर है मतलब जो रेशियो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, गलती से आपका नेगेटिव आ जाए यहाँ पर तो आप गलत हैं। तो ये कुछ टिप्स के साथ हम अपनी ये वाली वर्कशीट ख़त्म करते हैं, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे फॉरवर्ड करें, कुछ बच्चों को भला हो जाएगा इससे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और अपना जो फीडबैक है सजेशन आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब जल्दी से आपकी हिंदी की वर्कशीट देख लेते हैं। कार्यपत्रक नंबर 27 ये 4 सितंबर की वर्कशीट है। ये वर्कशीट है आपकी क्रिएटिव राइटिंग, रचनात्मक लेखन पर, और इस वर्कशीट में हम देखने वाले हैं कि हम अनौपचारिक पत्र कैसे लिखें, मतलब इनफॉर्मल लेटर्स कैसे लिखें। अभी तक हमने औपचारिक पत्र लिखे हैं, फॉर्मल लेटर्स लिखे हैं, अब अनौपचारिक कैसे लिखें हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि अनौपचारिक पत्र की महत्वपूर्ण बातें जो आपको बताई गई हैं वो जल्दी से पढ़ लेते हैं, तो इसमें व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभव का विवरण होता है। तो क्योंकि अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है, किसी जानने वाले को लिखे जाते हैं, जिनसे आपका पर्सनल कनेक्ट है उसको लिखे जाते हैं, तो इसलिए आप पर्सनल बातें इसमें कर सकते हैं, अपने सुख दुख शेयर कर सकते हैं, हैप्पीनेस सैडनेस ये सारी चीजें आप शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। इसमें तथ्यों के साथ साथ आत्मिक भावों को भी महत्व दिया जाता है। तो जैसा हमने आपको पिछली वर्कशीट्स में बताया था कि फॉर्मल लेटर्स में, औपचारिक पत्रों में आप बहुत ही टू द पॉइंट बात करते हैं, सिर्फ फैक्चुअल बातें करते हैं, जो फैक्ट से रिलेटेड, तथ्यों से रिलेटेड हैं, सिर्फ वही बातें करते हैं। लेकिन ये जो इनफॉर्मल लेटर्स है, अनौपचारिक पत्रों में, आप इसमें अपने इमोशंस के बारे में भी शेयर कर सकते हैं, अपने आत्मिक भावों को, अपने पर्सनल जो आपके थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, आप उन पे भी बात कर सकते हैं और उन्हें भी एम्फसाइज किया जाता है। यह पत्र प्रेम भाव और विचार विमर्श के लिए भी लिखा जाता है। तो अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव है, आपके भाई है, बहन है, या माता पिता है, या दादा दादी है, नाना नानी है, आप उनको भी प्रेम भाव से लिख सकते हैं ये पत्र। साथ ही साथ आप विचार विमर्श करने के लिए भी इन पत्रों को लिख सकते हैं। जैसे आप कुछ पढ़ाई में कोई हेल्प चाहते हैं, या आगे बढ़ने के लिए कोई करियर में कोई हेल्प चाहते हैं, तो उसके लिए आपने किसी बड़े को ये पत्र लिखा है, या आपने किसी दोस्त को पत्र लिखा है, किसी दोस्त की आपको चिंता है उसे आप पत्र लिख रहे हैं, तो इस तरह से भी इन पत्रों को लिखा जाता है। इसकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है, तो आप जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो बहुत ही इनफॉर्मल यूज करें, बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन आप कंपैरेटिवली इनफॉर्मल यूज करेंगे, जो आपके डे टू डे वर्ड्स हो सकते हैं आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं, और आप जो है एक नॉर्मल जो इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन, अनौपचारिक जो आप बातचीत करते हैं, उस हिसाब से आप वो भाषा यूज कर सकते हैं। इसमें
आइए हम एक अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को देखते हैं, एक फॉर्मेट को देखते हैं। तो सबसे पहले अनौपचारिक पत्र में हम देखते हैं पता। तो सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक, प्रेषक होता है पत्र भेजने वाला, जो पत्र भेज रहा है उसका नाम और पता लिखा जाता है। तो नाम तो नहीं पर हाँ पता लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आप पता लिखते हैं, तो अगर आप भेज रहे हैं तो आप अपने घर का पता यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम लिखते हैं दिनांक, तो जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख हम लिखते हैं। फिर आप लिखते हैं संबोधक, संबोधन, तो प्राषक जो है मतलब जिसको पत्र मिल रहा है, जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार आप संबोधन का प्रयोग करते हैं। संबोधन का मतलब होता है आप किसी को किस तरह से बुलाते हैं, संबोधन करना मतलब होता है बुलाना। तो जैसे कि आप बड़ों को बुलाएंगे पूजनीय या पूज्य, तो पूज्य पिताजी या पूजनीय माताजी या पूजनीय दादाजी, इस तरह से आप, या आदरणीय दादाजी, आप इस तरह से आप इन संबोधन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं छोटों के लिए कुछ शब्द हैं जैसे प्रिय, प्रियवर या स्नेही, आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आप किसी छोटे भाई या बहन को लिख रहे हैं तो हो सकता है आप लिखे प्रिय बहन, या अगर आप किसी मित्र को लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं प्रिय मित्र, या आप अपने मित्र का नाम भी लिख सकते हैं जैसे प्रिय अजय, आप इस तरह से कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे अभिवादन, तो जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार, जैसे कि सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार, तो जैसा आपका उनसे संबंध है, जैसा रिलेशनशिप है आपका उनके साथ, उस हिसाब से आप उनका अभिवादन भी लिखेंगे। तो अभिवादन का मतलब है कि आप जैसे ही मिलते ही, हमारे कल्चर में है होता ही है कि मिलते ही हम नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं या पैर छूते हैं, तो उसी तरह से आप पत्र में भी आप लिखेंगे। अगर कोई बड़ा है तो आप उसे सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, इस तरह से आप लिख सकते हैं। वहीं आपकी एज का है या आपसे छोटा है तो आप उसे मधुर प्यार करके ऐसे लिख सकते हैं। फिर पांचवा पार्ट आपका आ जाता है मुख्य विषय। तो ये सब तो हो गई पहली दो तीन लाइनों में आप क्या क्या लिखेंगे। उसके बाद मेन आ जाता है आपका मेन कंटेंट एरिया, मेन सब्जेक्ट एरिया, वो है मुख्य विषय। तो मुख्य विषय को मुख्यतः तीन अनुच्छेदों में विभाजित करना चाहिए। तो तीन आप छोटे छोटे पैराग्राफ में आप इसको लिख सकते हैं। तो पहला जो अनुच्छेद है उसकी शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हैं कि हम या मैं यहाँ कुशल हूं। तो अगर आप परिवार की तरफ से लिख रहे हैं थोड़ा, तो आप लिख सकते हैं हम सब यहाँ पर कुशल हैं और आशा करता हूं कि आप भी वहां कुशल होंगे। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर दूसरे अनुच्छेद में जिस कारण पत्र लिखा गया है उस बात का उल्लेख किया जाता है। तो जो मेन कंटेंट है आप उसके बारे में जो है दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं। फिर जो तीसरा अनुच्छेद है, समाप्ति से पहले कुछ वाक्य आप अपने परिवार और संबंधियों की कुशलता के लिए लिखने चाहिए। तो जैसे आप, जैसे कोई आपने बात कही, आपने पत्र लिखा, आप सडनली तो उसे एंड नहीं कर सकते, अचानक से तो एकदम से खत्म नहीं करेंगे। तो आप बोलेंगे कि चलो, जैसे हम अगर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, तो फिर हम एंड करते करते हम ऐसे बोलते हैं चलो ठीक है फिर बात करते हैं या फिर मिलेंगे। तो इसी तरह से पत्र में भी हम एंड में एक दो लाइन्स लिखते हैं जिससे कि जो समाप्ति है वो अच्छे से की जाए। तो वो लाइन इस तरह से हो सकती है, मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद, या छोटों को प्यार, इस तरह से भी आप इसको एंड कर सकते हैं। इसके बाद समाप्ति कैसे करेंगे आप, अंत में प्रेषक का संबंध। तो प्रेषक कौन है, याद है अगर आपको, तो पहली लाइन में हमने बताया था पत्र भेजने वाला यानी कि आप। तो आप पत्र लिख रहे हैं तो आपका क्या संबंध है वो आप लिखते हैं। जैसे अगर आप अपने माता या पिताजी को लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं आपका पुत्र या आपकी पुत्री, या किसी और को लिख रहे हैं रिलेशन में तो आपकी भतीजी या आपकी बहन या आपका भाई, उस तरह से आप जो है अंत में समाप्ति करेंगे और उसके बाद फिर आप अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो आपको टॉपिक दिया गया है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है फॉर्मेट भी दिया गया है। इनफैक्ट आपको यहाँ पर मेन लाइन भी दी गई है, मेन कंटेंट की पहली लाइन और एंड लाइन भी दी गई है। तो जल्दी से जो है हम देख लेते हैं कि इस पत्र का एक सैंपल पत्र देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा है ये पता लिखा है, तो आप यहाँ पर ये पता शब्द नहीं लिखेंगे बल्कि आप अपने घर का पता लिखेंगे, घर का एड्रेस लिखेंगे, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है, आप अपने घर से भेज रहे हैं तो आप वो एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप लिखेंगे दिनांक, ये 4 सितंबर 2020। फिर उसके बाद आप लिखेंगे, क्योंकि ये बहन को आप लेटर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रिय बहन, मधुर प्यार।
तो क्योंकि वो आपसे बड़ी नहीं है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो बड़ी नहीं है, अगर वो बड़ी हैं आपसे तो आप सादर प्रणाम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप उन्हें योगासन करने का सजेशन दे रहे हैं तो जनरली बड़े आपको सजेशन देते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ अज्यूम किया है कि बहन आपकी छोटी है, आप उन्हें सजेशन दे रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ लिखेंगे मधुर प्यार। फिर आपका जो पहली लाइन की बात हुई थी, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी वहां कुशल होगी, तो अगर आप लड़की हैं तो ऑफ कोर्स आप यहाँ लिखेंगी मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करती हूँ कि तुम भी वहां कुशल होगी, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर जो मेन कंटेंट है वो फिर आप लिखेंगे एक सेकंड पैराग्राफ में। हमने यहाँ बस यही लिखा है कि क्योंकि लॉकडाउन है और आप सामाजिक दूरी बनाकर रह रहे हैं तो आप बाहर नहीं जा रहे होंगे और शारीरिक गतिविधियां फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे होंगे, तो ऐसे में योगासन जो है एक अच्छा वे है, अच्छा तरीका है खुद को सक्रिय रखने का, खुद को एक्टिव रखने का, और योगासन के बहुत से लाभ भी हैं। तो ऐसे करते हुए आप अपनी बहन को प्रेरित कर सकते हैं। ये सैंपल पत्र है, आप अपने हिसाब से, आप अपने तरीके से जो है आप अपना पत्र लिखिए, अपना कंटेंट लिखिए, आप सोचिए कि आप अपनी बहन को लिख रहे हैं, उसी तरह से सोचकर आप इसमें अपने शब्दों में भी इस पत्र को फिर लिख सकते हैं। तो एंड में हमने इसको जो कंक्लूड किया है तो आप देख सकते हैं हमने एक और लाइन यहाँ पर जोड़ी है, ये थर्ड पैराग्राफ है आपका, कि योगासन करके जीवन में क्या बदलाव आए अपने अगले पत्र में मुझे जरूर बताना, तुम्हारे पत्र का मुझे इंतजार रहेगा, मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद व प्यार देना। तो इस तरह से आप जो है इसको कंक्लूड करेंगे और उसके बाद फिर आप लिखेंगे, अगर आप मेल हैं तो आप तुम्हारा भाई लिखेंगे, आप फीमेल हैं तो आप तुम्हारी बहन लिखेंगे और फिर अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से आप ये पत्र लिख सकते हैं, कोशिश कीजिए, खुद लिखने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो ऑफ कोर्स आप हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ ही सकते हैं। तो आज की वर्कशीट में इतना ही है, फिर उसके बाद फिर अगली वर्कशीट में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।